ठीक है, दिन की शुरुआत एक अच्छे शॉवर से करने का वक्त है। ये बहुत सुंदर है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई इस पानी को देखे, हालांकि ये उसके बालों से मिलता जुलता है। शॉवर के बाद नहाना एकदम सही चीज है। सफाई जितनी ज्यादा हो उतनी कम है। मुझे लग रहा है कि इस बादल में हमारे लिए खास सरप्राइज है। वाओ, ये सिर्फ घुलता ही नहीं बल्कि इसमें से रेनबो भी निकलता है। ऐसे जरा अपने इन डबल रेनबो को देखो। बढ़िया, इन सभी रंगीन पेंसिल्स को देखो। क्या तुम इन सबको एक साथ पकड़ सकती हो? तुम एक बार में एक का इस्तेमाल कर सकती हो, लेकिन इसमें मजा कहाँ है? इसकी बजाय हम इन्हें इन फ्लिप फ्लॉप के निचले हिस्से पर जोड़ देंगे। ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म शूज और क्लीट्स के मिक्सचर की तरह लग रहे हैं। अब आप मॉर्निंग जॉग के साथ आर्ट भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब आपके पास दो से ज्यादा पैर हो। जरा खाने की सफेद चीजों को तो देखो, यहाँ तक कि चॉकलेट भी सफेद है, लेकिन कोने में कुछ रंगीन दिखाई दे रहा है, स्किटल्स। शायद उसे ये कुछ ज्यादा कुरकुरी पसंद है। अब थोड़े पॉपकॉर्न बनाने का वक्त है। जब आपको समझ ना आए कि मीठा खाएं या नमकीन, ऐसे वक्त के लिए एकदम सही है। हे, जरा स्कर्ट को संभालो। हाँ, काम चलाओ। कपड़े बनाने के लिए टेबल क्लॉथ बढ़िया होते हैं, और पर्दे भी, खासकर जब ये नेट के कपड़े से बने हों। पहले एक गांठ बना लें और फिर थोड़ी और बनाएं। अब अपनी नई टूटू को घुमाने के लिए तैयार हो जाएं। इस तरह के बालों पर बहुत मेहनत लगती है। एक मिनट रुको। ओ नहीं, जल्दी, शायद हम सैलून से किसी को बुला सकते हैं, या मुझे लगता है कि तुम ये कर सकती हो। फिर मैं अभी भी सोच रहा हूँ कि हम इन बीड्स का क्या कर सकते हैं। थोड़ी सी गर्मी से हम उन्हें एक साथ पिघला सकते हैं। इनके सूखने से पहले इन्हें रोल करके अपनी नई अंगूठी बना लें। भूलना मत, हमारे पास बहुत सारे बचे हुए बीड्स हैं। याद रखें, फैशन कुछ ही वक्त के लिए रहता है, लेकिन स्टाइल अंदर से आता है। लेकिन सफेद जूते पहनना एक चुनौती हो सकता है। कुछ शेविंग क्रीम से मदद मिल सकती है, लेकिन हमें अभी भी थोड़ा रंग चाहिए। अब ये हुई ना बात, जूतों को इसमें डालें और सबको एक साथ मिला दें। वो इतनी खुश है कि वो उन्हें ऐसे ही पहनने वाली है। वैसे थोड़े पानी से कोई नुकसान नहीं होगा। ये जूते एक टाई-डाई मास्टरपीस हैं। ये कुछ खास खुश नहीं लग रही है ना? तुम शायद बैग में पड़ी कैंडीज का इस्तेमाल कर सकती थी। खुशकिस्मती से मिस रेनबो के पास इनके लिए एक प्लान है। बस इन्हें अलग अलग रंगों में पिघलाएं और उन्हें ग्लास में ऐसे डालें कि एक रेनबो पार्फेट बन जाए। इससे उसके चेहरे पर स्माइल आनी चाहिए। आखिरकार उसे ये गमीज पहले बहुत पसंद आई थी। हे, जरा देखो कि तुम कहाँ जा रही हो। ओ नहीं, उसके जूते। खुशकिस्मती से इस लड़की के पास हमेशा एक रंगीन ट्रिक होती है। एक के बाद एक, अब हमारे पास पंप्स का एक नया पेयर है। हे, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम टॉयलेट पेपर नहीं उठा रही हो? बढ़िया, और ये तुम्हें बाथरूम के ठंडे फर्श से बचाएगा, साथ ही थोड़ी सजावट भी। आइसक्रीम।
मुझे रेनबो शरबत की उम्मीद थी और पिघली हुई नहीं, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए। ये एडवर्टाइजिंग बिल्कुल झूठी है। वैसे हम अभी भी इसे अलग अलग रंग की चॉकलेट से ठीक कर सकते हैं, बस कोन को इसमें डुबोएं और ये पूरी तरह से रंगीन हो जाएगी। शायद उसे अपना आइसक्रीम स्टैंड खोल लेना चाहिए। हैप्पी बर्थडे। ओह रो मत, स्केचबुक्स मजेदार होती हैं। आखिरकार खुद से कुछ खास रंगीन बनाने का मजा ही कुछ और होता है, और इन सभी रंगों को जोड़ना तो बस एक शुरुआत है। बस इस पेंट के सूखने के बाद हम स्क्रैच करके रंगों को ऊपर ला सकते हैं। ऐसी चीजें तो डिस्प्ले पर होनी चाहिए। काम करने और खेलने का एक वक्त होता है। ये बहुत बोरिंग है, फिर से खेलने का वक्त कब आएगा? जाहिर है कि कुछ नया करने के लिए हर वक्त अच्छा वक्त होता है। इस पॉम-पॉम बोर्ड से कोई भी चीज प्यारी और फजी बन जाती है। नेचर हमें अलग अलग रंग देती है और ईस्टर बनी भी यही करता है। वैसे आपको क्या लगता है कि इसके अंदर क्या है? या तो ये घुल जाएगा या मछली के पास खेलने के लिए कुछ नया होगा। या इसे खुद ही तोड़ना बेहतर होगा। कितना प्यारा खिलौना है, चलो इसे पानी में डालते हैं। और हमारा प्यारा और छोटा सा सी पोनी अब छोटा नहीं रहा। हे स्पॉन्जिस के साथ खेलना किसे पसंद नहीं है? ये एक फैशन मोंटाज का वक्त है। ये अच्छी और साधारण है, लेकिन साधारण दिखना उसका स्टाइल नहीं है। हमें बस कुछ कट्स बनाने होंगे। थोड़ा कलर लाने के लिए इसमें बीड सेट करें। शायद तुम्हें अपने हाथ धो लेने चाहिए। इन नाखूनों को कुछ खास चाहिए। अगर आपके पास अलग अलग रंगों की नेल पॉलिश है तो क्यों ना इन सबको एक साथ इस्तेमाल करें। चलो भी, उसके पास और कौन सा नेल फाइल होगा? रेनबो वाली शानदार चीजें। अगली बार मिलते हैं। मैं इतनी बोर कभी नहीं हुई। यानी के चेहरे पर क्या उग रहा है? मेरे डैड की मूछें भी इतनी घनी नहीं है। टेप से इसे ठीक कर देते हैं। ऐसे ही रहो। ये विस्कर्स अब निकाल दो, ये भी काम आ जाएंगे। कलर करने के बाद अब ग्लू लेंगे, इसे इस तरह बनाएंगे। पहले नोजल से फोल्ड कर देंगे, अब पंप करना शुरू करेंगे। देखा, ये देखो, बस थोड़ी डिटेल्स और ये बन गया। क्यूट है ना? मेरा इतना इस्तेमाल किया गया। तो क्लास सब यहाँ देखो, मेरे पास और भी काम है। अब उनका ध्यान कहीं और है तो मैं अपना काम कर सकती हूँ। मुझे पिकासो कहो। बस मैंने कुछ ज्यादा मिस ना किया हो तो हम क्या ड्रॉ करें? मैं अपना सामान निकाल लेती हूँ, हमेशा तैयारी के साथ आती हूँ। हे पेंसिल्स नहीं है? हाँ, मुझे एक मिल सकती है प्लीज? हाँ, अरे नहीं, ओ गलत बात है। मेरे पास सिर्फ टेप है, पर मुझे यही तो चाहिए। इसे ध्यान से लगाएंगे, आराम से। हाँ ये हुई ना बात। सिजर से फालतू का प्लास्टिक काट देंगे।
अब इसके अंदर का बनाएंगे, स्क्विशी डालेंगे। चलो चले भी जाओ, ये फिट आ गया। इसे और प्लास्टिक से सील कर देंगे और फालतू का हटा देंगे। बहुत अच्छे, पर अब ये पूरा नहीं हुआ। इस पूरे स्ट्रिप को कलर करना होगा। इसे अब हग करते हैं, मतलब इसके आसपास इसे लपेटना है। क्यूट है ना? ये छोटा सा स्क्वायर पीस देखो, हम इसे बदलने वाले हैं। इसे फिल करेंगे। चलो चलो जाओ भी। लो, ये परफेक्ट सर्कल बन गया और इसे हम एवोकाडो के पिट भी कह सकते हैं। ऐसे हम मजाक मस्ती करते रहते हैं। मिशन पूरा हुआ, क्यूट है ना? लव यू। हे देखो, ओह पेंसिल्स रख दो क्लास। ये देखो, हाँ ये उसने बनाया। मेरा भी ठीक ही है ना? मैंने कोशिश की। वाह, बहुत अच्छे से किया आनी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। प्राइमरी कलर्स कौन से होते हैं? वो वहाँ क्या कर रही है? क्या सच में? हाँ क्या है? मेरा पैर, ओ माफ करना, क्या ग्रीन प्राइमरी कलर होता है? अरे यार चलो भी। बेटी, हाँ तुम्हारी नेल्स, ओ ये भी ठीक ही है। हे भगवान रुको, लाल तो प्राइमरी होता है ना, या पिंक होता है? ये लड़की समझती क्यों नहीं है? मैं इसे और नहीं सह सकती। बहुत हुआ! क्या? हाँ हाँ मैं रुक गई हूँ, मेरी एंजाइटी बढ़ रही है, पर मैं इसे ठीक कर सकती हूँ। अरे वाह, ये टेप देखो, इसे फोल्ड कर अंदर की तरफ चिपकाएंगे और इसके अंदर स्ट्रेस बॉल डाल देंगे। ऊपर एक छोटा वर्जन लगाएंगे। अब पॉल का डॉट्स लगाएंगे। ये एक लेडी बग है देखो, और इस पर एंटेना भी है। ये स्क्वीज करने के लिए तैयार है। हाँ हे यहाँ देखो। हाँ ये क्या है? तुम्हारी फिजिटिंग के लिए। ओह बहुत खुशी है और बहुत सैटिस्फाइंग भी। वाह शुक्रिया। नहीं तुम्हारा शुक्रिया। हाँ हाँ मेरा ही। आपको ये बहुत पसंद आएगा। एक मॉडलिंग क्ले का सर्कल लें और उस पर हार्ट के शेप के दो खोखे कटर्स रखें। अब इन कटर्स को दबाएं और फालतू के क्ले हटा दें। अब कटर्स को हटा दें। अब इसके बीच में एपॉक्सी रेजिन डालें। सिरिंज से थोड़ा आसान हो जाएगा। अब रेजिन को सूखने दें। अब इस पर थोड़ा ग्लिटर डालें और एक और हार्ट रख दे। ये नेकलेस कितना खूबसूरत है। वो जरा इसे देखो, खूबसूरत है। आज भी कमाई का दिन है। रुक जाओ, कुछ नियॉन है। ये देखो। ठीक है तुम अंदर जा सकती हो, मजे करो। वो क्या हुआ? ये नियॉन पार्टी है, तुम्हारा कहाँ है? इस आउटफिट को देखो, इन पर एक्सेसरीज की जरूरत है। ये साइन देखो, नियॉन पार्टी। ठीक है, वुहू, चलो पार्टी करें। तुम चाहती हो कि मैं ऐसे दिखूं? एक मिनट रुको, ये मुझे दो। हे, तुम ये क्या कर रही हो? वो मेरा है, मैं मजे से पी रहा था। पहले 3D पेन से इस तरह एक ब्लॉब बनाएंगे और फिर इसे ग्लास के आसपास लपेट देंगे। हर लूप में थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ते जाएंगे। इसे ग्लास के ऊपर तक करेंगे। पिंक कितना ब्राइट है, बस थोड़े से और, इतना काफी है। अब मैं अपने हाथ को इस ग्लास में डालूंगी और प्लास्टिक को रेस्ट की तरफ करेंगे। कितना बढ़िया ब्रेसलेट बन गया, अब इस ग्लास की जरूरत नहीं है। रुक जाओ, नियॉन दिखाओ। अब खुश हो? मुझे दिखाओ, मैं श्योर नहीं हूँ। अब कैसा रहेगा? ये चलेगा?
मुझे अंदर जाने देना होगा। मुझे पसंद आया, चलो जाओ। आखिरकार तो मेरे ड्रिंक का क्या हुआ? मजा आ गया। हाँ, अब नाप देख लेती हूँ। हे जेनिफर, मुझे बहुत भूख लगी है, टीवी ऑन कर दूँ? ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें पता है ना मैं डाइट पर हूँ। खुशबू बहुत अच्छी है। रुको, जाओ यहाँ से। ठीक है। ओह, जरा वो देखो, इतना बड़ा टेडी बियर। मेरे पास एक आइडिया है। पहले बेयर में कट लगाएंगे, अब इसमें स्नैक्स भर देंगे, इससे छिपे रहेंगे। जेनिफर को ये नहीं दिखने चाहिए और मैं ये सारे खा जाऊंगी। कैंडी ना खाने के लिए शुक्रिया। ओह हाँ हाँ बिल्कुल, कोई बात नहीं। मिंडी, ये आवाज कैसी है? हो क्या रहा है? मैं टेडी को हग कर रही हूँ, बहुत प्यारा है। बच गए। गुड मॉर्निंग। वो जब तक मैं सो रही थी ये तुमने क्या कर दिया? वाह, सब बहुत अच्छा लग रहा है। और अब चलो चाय पी लो। हे, तुम जाग रही हो, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट टी बनाई। ओह नहीं। ओह अरे यार, नहीं, रख पर चाय गिर गई। तुमने क्या सोचकर किया? मुझे माफ कर दो, मुझे लगा मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी। कोई बात नहीं, मेरे पास यहाँ पर एक चीज है। ये रही, देखो ये रही टेप। पूरे रग पर इस तरह की टेप की स्ट्रिप्स लगाएंगे, हर साइड के लिए अलग अलग एंगल्स लगाएंगे। हो गया, अब ये फाइनल पीस है और इसे यहाँ लगाएंगे। अब लेंगे स्प्रे पेंट, अलग अलग कलर्स से इस रग की हर जगह पर हम स्प्रे करेंगे। ऑरेंज और ग्रीन सही रहेगा। अब पर्पल की बारी है, ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए। हो गया, हमने आखिरी शेप को भी कलर कर दिया है। और जब ये सूख जाए तो हम टेप हटा देंगे। जरा इसे देखो, इसे हटाने से इसके नीचे का पैटर्न अच्छा दिखेगा। वाह, ये रग कितना खूबसूरत लग रहा है। तुम्हें मेरा नया रग कैसा लगा? चलो ट्राई करो। ठीक है, मैं देखती हूँ। तुम तो बहुत तेज हो। हाँ हाँ मैं जानती हूँ, कभी कभी मैं कमाल कर देती हूँ। हाँ तुमने ठीक कहा। जल्दी गेस करो, ये पिंक होगा या ग्रीन? ये देखो, अब जानते हैं कि असल में क्या है। आह, ये पिंक है। शानदार, कितना जबरदस्त रंग है ना? मैं कमाल हूँ। ये क्या हुआ? मैं सोने की कोशिश कर रही हूँ। मैं खुश थी पर अब मुझे गुस्सा आ रहा है। तुम इतनी मतलबी क्यों हो? क्या तुमने मुझे उस प्लश ऑक्टोपस से मारा? तो बहुत हुआ, तो मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। अच्छा, तो तुम अब क्या करोगी? अब लड़ाई होगी, तो चलो शुरू करो। मुझे भी हथियार चाहिए। तो ये पूल नूडल मुझे हराएगा? बिल्कुल नहीं, तुम गलत सोचती हो। मैंने इसे पकड़ा हुआ है, ये बढ़िया है। ये लो, और ये मैं बच गई। और ये लो, वो इस बकवास से पूल नूडल से कैसे खेल रही है? हे, ये कैसा रहेगा? पिलो फाइट करें, क्या कहती हो? मेरा वाटरमेलन पिलो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। अच्छा देखते हैं। ओह आओ, मुझे सांस नहीं ली जा रही, ये मुश्किल है। नहीं, क्या मैं हार गई? हाँ बिल्कुल, मैंने कहा था ना हार जाओगी। और अब ये सब पूरा नहीं हुआ। रुको, तुम क्या कर रही हो इस स्लाइम के साथ जो मेरे हाथों में है? ये लो, स्लाइम बॉम्ब। अरे नहीं, मिस कर दिया। ओह, तुमने मेरे ऊपर स्लाइम फेंकी? देखो तुमने दीवार पर क्या कर दिया। हे भगवान, क्या ये निकलेगा भी? मतलब शायद, ओह या शायद नहीं।
ये कैसा मजाक है, इससे तो ये निकल रहा है। मुझे नहीं पता था कि इससे कट जाएगा। इस पर ये लगाएं? यीश, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, ये सच में बहुत बकवास लग रहा है। रुको, पूल नूडल, ये नूडल्स का रेनबो कितना प्यारा लग रहा है। चलो इस पे LED लाइट लगाएं। मैं इसे सीधा नूडल में डाल देती हूँ और इस तरह इन ट्यूब्स को काटेंगे ताकि ये आराम से फिट हो जाए। अब इस रेनबो को वापस शेप दे देते हैं। अब इसे और सुंदर बनाने के लिए हम एक क्लाउड्स लगाने होंगे। कितना सॉफ्ट और फ्लफी है। हे भगवान, देखो तुम दोनों कितने आराम से बैठी हो, ये देखकर मैं बहुत खुश होती हूँ। हे भगवान, ये दीवार पर कितना सुंदर रेनबो है। मेरी बच्चियाँ बहुत तेज है। ये वाली बुक अच्छी है, मैं पेज पलट देती हूँ। Hey precious, सबसे प्यारा डॉग कौन है? तुम हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास ट्रीट है, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। मजे करो। हाँ? शायद तुम्हें बहुत भूख लगी थी। तो तुम यहाँ कैसे आ गए? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। ठीक है, थोड़ा और ले लो। और तो ये लो। वाह प्रेशियस, तुम्हें अपना खाना चबा कर खाना चाहिए। डार्लिंग, मैं तैयार हूँ। मैंने किस पर पैर रख दिया? ये यहाँ कैसे आ गया? इतनी गंदी बदबू कहाँ से आ रही है? ओह, कितना गंदा है। हाँ यहाँ और है, ये इस तरफ जा रहा है। मुझे इसके साथ साथ चलना चाहिए। बहुत बुरी बदबू है और बढ़ती ही जा रही है। मुझे इसे यहाँ से हटाना होगा। प्रेशियस को टॉयलेट जाना सीखना चाहिए। जरा रुको, मतलब ये अच्छा तो लग रहा है। स्पा में लड़कियाँ ये देखकर बहुत जलेंगी। ये लो प्रेशियस, खा लो। मम्मी को और गोल्ड रिंग्स की जरूरत है। ये तो कमाल है, पर हमें इसकी स्मेल का कुछ करना होगा। हाँ, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक रेस होगी। मैं ही जीतने वाली हूँ। देख लेते हैं। 3 और शुरू करो। देखो वो कितनी मेहनत कर रही है। रुको, ये कोई रेस है? खैर जो भी है, तो मैं ही जीतूंगी। वो क्या कर रहे हैं? नेल्स फाइल कर रहे हैं? ये बहुत ही बेवकूफ है, अभी तक उसने इसे सीरियस लिया। कॉफी, ये उसे कहाँ से मिली? और एक कैंडी बार भी, वो लंच ही क्यों नहीं कर लेती? हाँ मैं तो लिखती जाऊंगी। मेरा हो गया क्या? अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं की। वो कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहे हैं और मैंने दिमाग चलाया है। पहले हम फर्स्ट नंबर्स को ऊपर रखेंगे और सेकंड नंबर्स को साइड में। हाँ 3 × 7 हुआ 21। तो मैं इस नंबर को इस कोने पर रखूंगी। हाँ अब अगला स्टेप, 7 × 1, ये आसान है, 7 ही तो हुआ। और ये बीच के बॉक्सेस में आएंगे। ये आया 4 × 7 जो है 28। अब ये जाएगा आखिरी बॉक्स में। पहला नंबर 2 है और अब इन दोनों बॉक्सेस को हम साथ में मिला देंगे जिसमें आया 1। अब आगे के बॉक्सेस, 7 + 2 हुआ 9। तो अभी नीचे आएगा और आखिरी नंबर 8 थी। यही है आंसर, 21, 98। सॉल्व हो गया। ओह, सुबह हो भी गई, बस 5 मिनट और। मैं सबसे अच्छा सपना देख रही थी। हाँ क्या टाइम क्या हुआ है? ओ नहीं, मैं स्कूल के लिए लेट हो गई। मुझे जल्दी जाना होगा। चलो मैं क्या पहन सकती हूँ? ओ ये चलेगा, बस तक पहुँच ही जाएंगे। रुको, नहीं वापस आओ, मेरे लिए रुको। बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है। मैं कितनी अनफिट हूँ। कम से कम अभी कार्डियो तो हो रहा है। हाँ मैथ्यू, माफ करना, ये हुई ना बात। इसमें ब्रेक्स तो लगी है, बाकी का रास्ता भाग ही लेती हूँ। नहीं ये कैसे हो सकता है? हे भगवान,
शुक्र है आज मैंने फ्लैट्स पहनी थी। फिर मिलते हैं किटी। हाँ, मैं आ ही गई। माफ करना, मैं ज्यादा सो गई थी। तुम ठीक तो हो? तुम्हें पसीना आ रहा है बहुत ही ज्यादा। आज भी वैसा ही हुआ, मुझे स्कूल तक भागकर पहुंचना पड़ा, तभी मैं वर्कआउट नहीं करती। ये स्मेल कैसी है? ओ, मुझे उल्टी आ रही है। ओ नहीं, ये ठीक नहीं हुआ। शर्म आ रही है, बुरा हुआ। पर कोई बात नहीं, मैं मदद करती हूँ। तुम्हें सैनिटरी टॉवल्स चाहिए होंगे। लाओ अपना टॉप दो, चलो उतारो। भरोसा रखो, ये काम करेगा। ठीक है, बस मैथ्यू देख ना ले। थैंक्स, ज्यादा समय नहीं लगेगा। पहले हम इसे उल्टा करेंगे। अब सैनिटरी टॉवल की बैकिंग को हटा देंगे, इसे ऊपर की तरफ से लगाएंगे और इसे वहाँ वहाँ लगाएंगे जहाँ स्वेट पैचेस आ सकते हैं। एक और लगा देते हैं। हो गया। क्या ये कैसे हो सकता है? अब काफी अलग है, जैसा मुझे चाहिए था। थैंक्स। वाह, हवा बहुत ताजी है, अब बदबू नहीं आ रही। कैसे हो स्टेसी? आज का दिन इतना भी बुरा नहीं है। मैं क्लास में जल्दी आ गई हूँ। टीचर के आने से पहले थोड़ा म्यूजिक सुन लिया जाए। मैं हेडफोन्स निकाल लेती हूँ। आह, ये रहे। क्लास से पहले इससे रिलैक्स हो जाते हैं। क्या अजीब बात है, मेरे हेडफोन्स चॉकलेट में बदल गए। ये क्या हो रहा है? एक मिनट रुको, शायद मैं जानती हूँ क्या हुआ। वाह, बढ़िया है। मैं चॉकलेट फेरी हूँ और मुझे चॉकलेटी हैप्पीनेस फैलाना पसंद है। ये बहुत टेस्टी है। ओह, ये क्या है? मैं थोड़ी मस्ती कर लेती हूँ। मतलब हर किसी को चॉकलेट पसंद होती है। वो ठीक कह रही है, मुझे चॉकलेट पसंद है, मैं मजे से खाऊंगी। जरा रुको, शायद ये चॉकलेट फेरी नहीं थी। ओह, ये क्या है? ये तो मजेदार है। हे, नहीं, हटो यहाँ से, वो मेरी है। मुझे अच्छी चीजें क्यों नहीं मिलती? स्टेसी बहुत मतलबी है। मुझे कौन कॉल कर रहा है? ओ, ये तो ड्रेक है, मेरी जान, वो बहुत प्यारा है। हे स्वीटी, मैं उसे दिखाती हूँ। मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ हाँ रॉबर्ट, तुम कर लो। इतनी बड़ी भूख, तुम बहुत ही तेज हो। बस एक चीज बाकी है। आहा, ये चलेगा, ये एकदम ताजा है, परफेक्ट। मैं इसे छूंगी नहीं, गंदा होगा। शुक्रिया, मेरे पास सब है, ये काम करेगा। हम सिरिंज में पूप को भर लेंगे। मेरे पास स्नैक के लिए चॉकलेट भी है। प्रैंक कर कर भूख लग जाती है, इतना काफी होगा। अब हम इसे केस में डाल देंगे। अब दूसरी साइड भी। अब इसके हार्ड होने का इंतजार करना है, इतना काफी है। अच्छा लग रहा है, इन्हें वापस डाल देते हैं। अब स्टेसी को पता चलेगा। बाय, फिर मिलते हैं। वो बहुत अच्छा है। कूल रहो, पता नहीं चलना चाहिए। मैं स्कूल चले जाती हूँ, बस बैग पैक कर कर मैं जा सकती हूँ। और हेडफोन्स ना भूल जाऊँ। नहीं भूल सकती। ये नहीं हो सकता। वो हे, जरा इसे देखो। हाँ हाँ अच्छा है, पर अभी मैं पढ़ रही हूँ। वो ये वाला कैसा रहेगा? देखो ये सब करना बंद करो, मैं पढ़ रही हूँ। हे मेरे भगवान, ये गमी बेयर्स के साथ क्या कर रही है? उसने इन्हें पिघला दिया, अब उसके पास स्ट्रॉबेरी है। अरे वाह, उसने स्ट्रॉबेरी को गमी मिल्क में डुबो दिया। लाजवाब, उससे मुझे बहुत बढ़िया आइडिया आया। ये रहा एक पूरा गमीज का जार और एक बोल, मैं एक कर सकता हूँ। चलो जाओ गमीज, माइक्रोवेव टाइम। अब बस इनके पिघलने का इंतजार करना होगा। बढ़िया, ये हो गया। मैं इसे ट्राई करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। जी हाँ, अब मुझे थोड़े स्ट्रॉबेरीज चाहिए और फ्रूट्स भी। उप्स, स्क्यूअर तो भूल ही गए, वो तो बहुत जरूरी है। स्ट्रॉबेरी को स्क्यूअर पर लगाएंगे और अब इसे ट्राई करते हैं। ओह, देखो ये मेल्टेड गमीज में कैसे डूब रही है। इसे घुमाएं ताकि ये अच्छे से कवर हो जाए। मैं इसे स्प्रिंकल से सजा सकता हूँ, स्प्रिंकल से सब बेहतर हो जाता है। हम इसे घुमाएंगे ताकि ये अच्छे से कोट हो जाए। हे भगवान, जरा उसे देखो, वो तो सो ही गई। चलो थोड़े और बनाएं और इस बार किसी और फ्रूट से। अब इसे इसमें घुमाओ। ये तो ब्लैकबेरी पिक्स पर भी लग रही है और ग्रेप कितना शाइनी लग रहा है। और अब स्प्रिंकल्स की बारी भी। ये छोटे छोटे हार्ट्स कितने प्यारे हैं। ये देखो पूरी प्लेट तैयार हो गई। जी हाँ, अब जरा सी ताली बजाकर उसे उठाते हैं।
बस जरा सी ताली बजानी है। हाँ, ये लाइटिंग को क्या हो गया? बहुत अच्छी है। ता-दा! मैंने तुम्हारे लिए एक रोमांटिक ट्रीट बनाई है। चलो अब एक उठाओ। ये तो कमाल है। लो, पहले मैं तुम्हें खिलाऊंगी। स्वादिष्ट। और ये तुम्हारे लिए। ओह वाह, ये तो काफी अच्छा है और बहुत रोमांटिक भी। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? नहीं, मैं ठीक हूँ। खैर, ये अच्छी है, तुम्हें और चाहिए? नहीं, ठीक है। आह, धूप बहुत तेज है, मुझे मेरे फोन की स्क्रीन नहीं दिख रही। लगता है तुम्हें कोई परेशानी है दोस्त। ये कौन है? कुछ नहीं दिख रहा, क्या हो रहा है? घबराओ मत, मेरे पास तुम्हारे लिए इसका हल है। ठड़ाओ, ये रहा एक बॉक्स है तुम्हारे लिए, ये लो। अब तुम आराम से देख सकती हो और यहाँ तुम्हारे फोन के लिए भी जगह है। कितनी मजेदार वीडियो है, मुझे पसंद आए, ये मेरी फेवरेट है। विश्वास नहीं होता उन्होंने टीचर के साथ ये किया। मैंने अच्छा काम किया, मैं जानता था काम करेगा, कार्डबोर्ड कुछ भी कर सकता है। हाँ, सेविंग्स जार में डालने के लिए और पैसे आ गए। बस अब मैं नए पपी के लिए सेव कर लूं। पपी 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 सबसे अच्छे होते हैं, मुझे उसका नाम सोचना चाहिए। अरे यार, इस कमरे में बहुत धूल है। हाँ? 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 टूट गया। ग्रैंडमा, मेरे पपी सेविंग जार को क्या हो गया? घबराओ मत, ग्रैनी सब ठीक कर देगी, बस कार्डबोर्ड चाहिए। लो, कुछ और लेयर्स लगाएंगे। अब इस पर पेंट करेंगे क्योंकि ये सुंदर दिखना चाहिए। अब इस सर्कुलर पीस के लिए हमें हॉट ग्लू चाहिए, इसके ऊपर डॉगी बैठ सकता है। गुड बॉय। और आप यहाँ जार रखेंगे और ढक्कन में छेद होगा, डॉगी को खिलाओ। हे भगवान, देखो कॉइन जा रहा है, वो भी सीधा जार में। हाँ, ये तो बाकी कॉइन्स के साथ चला गया। क्लास, जरा ध्यान दो, आज हमारा एक टेस्ट है। ना बातें होंगी ना चीटिंग, मैं देख रही हूँ, तुम शुरू कर लो। सब ठीक रहेगा, मैं पेन निकाल लेती हूँ। ओ नहीं, पेंसिल केस तो खुल ही नहीं रहा। चलो भी, खुल जाओ, ये ठीक नहीं हुआ। शायद जेनिफर मदद करे। क्या तुम्हारे पास और पेन है? प्लीज दे दो। नहीं, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। वो ठीक है। मिडी, मैंने क्या कहा? माफ कर दो मिस, अब मैं क्या करूँ? मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे और फिर मुझे एफ मिल गया। अब मुझे देखो, आज भी बहुत पैसे खर्च लिए। जरा इस गरीब लड़की को देखो, तुम्हारे पास चेंज है? प्लीज। ठीक है, देखने दो, इतने काफी होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, मुझे एफ नहीं मिलेगा। जरा रुको, मैं पेपर क्लिप इस्तेमाल कर सकती हूँ। पेपर क्लिप को टेबल पर लगा देंगे। अब ग्लू गन चाहिए, पेपर क्लिप में ग्लू लगा देंगे। मैंने ग्लिटर ग्लू लिया है क्योंकि क्यूट लगती है। इस सेक्शन को फिल कर देंगे और सेट होने देंगे। पेपर क्लिप के कोने को जिपर पर लगा देंगे। हाँ, ये खुल गया, शांति मिली। ये सही है ना? बोरिंग क्लासवर्क से ऐसे ही बचा जाता है। गैबी, तुम ये क्या कर रही हो? ये मुझे दो, ये बस एक बुक है, मुझे समझ नहीं आता। ठीक है, पर क्लास पर ध्यान दो। आज बहुत तेज धूप है, टैनिंग के लिए अच्छा मौसम है, पर पानी पीते रहना चाहिए। हाँ। ओह नहीं, तुम्हारा भी पानी खत्म हो गया। तुम्हें चाहिए, मैं बहुत अच्छा डॉग डैड हूँ और हम दोनों को ही गर्मी के मजे लेने हैं। हाँ? तुमने पी भी लिया, जैसा तुम कहो। शुक्र है मैं बड़ी बॉटल ले आया था।
अब क्या है? अरे नहीं, मुझे सिर्फ यही मिला या फिर मेरे पास इससे बड़ा आइडिया है। पहले लकड़ी ले और डबल साइडेड टेप को यहाँ लगाएं और दूसरे पीस को इस तरह चिपका दें। अब इसे पलटाएं। पानी की बारी है। इस स्टिकी वेलक्रो को देखो। अब इसे इस पर और बोतल पर लगाएं। लो, हम ढक्कन तो भूल ही गए। पानी जाने दो बेबी, तुम्हें बहुत पसंद आएगी। आज के दिन के लिए ये परफेक्ट है। यू आर वेलकम। वो थोड़ा फिश के लिए भी बचा देना। नहीं बचाओगे, कोई बात नहीं, मुझे आराम करने दो। बाल तो गए पर मेरे चेहरे पर एक्ने है, इसके लिए मैं अपना केपॉप ब्यूटी बॉक्स निकालती हूँ। देखो इसमें क्या सामान है। हे, उसमें से कुछ चीजें मेरी है, मुझे दो। नहीं, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, मैंने ये पहले उठाया था। ठीक है, ले लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर मैं ये ले रही हूँ। हाँ, एक गोल्डन कोलेजन फेस मास्क, इससे सब ठीक हो जाएगा। हाँ, और मुझे क्या मिला? ये समझ नहीं आ रहा क्या है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है। रुको, समझ गई, ये फोमर है। मैं इसमें अपना फेवरेट क्लेंजर डाल देती हूँ, इतना काफी होगा। अब इसके ऊपर ये हिस्सा लगाना है और इस तरह प्रेस करना है। वो जरा इसे देखो, इसने फोम बना दिया। मैंने कर लिया, ये बहुत मजेदार है, मुझे फोम पसंद है। ओ, अब मैं इसे अपने चेहरे पर लगा सकती हूँ। इसे अच्छे से मसाज करेंगे और काफी बेहतर लगेगा। और काफी सारा बना दिया, मैं बहुत सारा इस्तेमाल कर पाऊंगी। मैं अपना फेस मास्क लगाती हूँ। रुको, ग्लासेस उतारनी होंगी, इससे मेरा कॉम्प्लेक्शन अच्छा हो जाएगा। हाँ, आधा हिस्सा लगा दिया, अब नीचे का हिस्सा लगाते हैं। इसे इसके साथ ही लगा देंगे, हो गया। अब हमें इंतजार करना है और स्किन एकदम परफेक्ट हो जाएगी। टाइम खत्म हुआ, मास्क उतार कर देखते हैं क्या रिजल्ट आया। मैं बहुत सुंदर दिखने वाली हूँ। रुको, ये क्या हुआ, ये क्या? मैं उससे हारूंगी नहीं, मुझे मास्क दोबारा लगाना होगा। और मास्क लगा लेती हूँ, शायद काम करे। जितने लगते हैं उतने लगाती रहती हूँ, ये सीक्रेट किसी को कोई नहीं बताता। फिर ये मास्क लगाकर थोड़ी कम डरावनी लगती है, पर मैं ये फोम अपने चेहरे से हटा लेती हूँ। खैर, अब मुझे बहुत ताज़ा महसूस हो रहा है। हे, मेरी स्किन बहुत सॉफ्ट है, यही से अच्छी लग रही है। अब मैं अपना दोबारा हटाती हूँ। रुको, ये निकल क्यों नहीं रहा, क्या ये फंस गया? फंस गया, मैं ये फेस मास्क उतार नहीं पा रही हूँ, मुझे मदद चाहिए। ओह ठीक है, निकल गया। फिर ये तो तुम्हारे चेहरे पर चिपक ही गया था। ओह वाह, कैसा कैसा लग रहा है, पहले से बेहतर है? अब तुम्हारा चेहरा चमकने लगा है। वाह, रुको, कुछ गलत है। नहीं नहीं नहीं, मेरी आईब्रोज गायब हो गई, आईब्रोज के बिना तो नहीं चलेगा। हाँ, वो तुम्हारे चेहरे पर नहीं है, लगता है हमें ये ड्रॉ करनी होगी। हाँ ठीक है। ओ, मैं टेस्ट के लिए बहुत नर्वस हूँ। सच में मुझे लगता है ये आसान होगा। समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूँ। हाँ, वो नहीं देख रही, यही मौका है। कैलकुलेटर, तुम ही मुझे बचा सकते हो। क्या वो कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं? मैडिसन, मैं तुम्हें देख सकती हूँ। ओह माफ कीजिएगा, मैं इसे हटा देती हूँ। अब मैं इन्हें सॉल्व कैसे करूँ? शायद कुछ इस तरह। नहीं, ये ठीक नहीं है। केट क्या कर रही है? अरे नहीं, उसका तो हो भी गया। ये उसके पेपर पर क्या है? डूडल्स केट, ये कैसी बटरफ्लाइज है? यहाँ देखो, मैं बताती हूँ। ये रही फ्रैक्शंस। अब हम ऐसे किटी कॉर्नर सर्कल्स बनाएंगे दोनों साइड पर, और ये बन गई बटरफ्लाई। अब कॉर्नर्स को मल्टीप्लाई करो और एंटेना के ऊपर आंसर्स लिखो दोनों कोनों पर। अब बॉटम रो को मल्टीप्लाई करना है
और एंटीना नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है। ये रहा टॉप नंबर और बॉटम नंबर तो हमारे पास है ही। ये लो। वाह, ये कितना काम का है और सुंदर भी। हो गया, चलो टेस्ट दे दे। हमने नहा लिया, मजा आ गया। उप्स, शुक्र है मैं घर पर अकेली हूँ, नहीं तो शर्मिंदा हो जाती। कैसे हो? ये हमारा सीक्रेट रहेगा। चलो तैयार हो जाएं। ओ नहीं, दोबारा नहीं। फिर वो वहाँ नहीं है, किसी ने नहीं देखा। आओ, लगता है देख लियो। मुझे कॉल करना टीना। हेलो। तो कंटिन्यू करें। ये मीटिंग रिकॉर्डेड है ना? मैं क्या कर सकती हूँ? पहले टॉवल को कोने से मोड़ देते हैं, अब एक सुई धागा चाहिए। सीम बनाते हुए कोने को सिल देंगे, बिल्कुल दूसरे एंड तक जाएंगे। अब एक इलास्टिक का पीस और सेफ्टी पिन चाहिए। इसे हम नई वाली सीम में डालेंगे और दूसरी साइड से निकाल लेंगे। एक सुई लेंगे और दोबारा सिलेंगे। इलास्टिक को टॉवल से सिल देंगे, बस ये टिका रहे। अब फालतू का थ्रेड काट देंगे। अब इसे कोने से इलास्टिक और पिन को काट देंगे इस तरह। अब हमें ग्लू चाहिए, टॉवल के एंड में बस थोड़ा सा लगाएंगे। अब इस पर वेलक्रो का पीस लगा देंगे। चलो ट्राई करें। अब ये टिक गया, मैं तो इसमें कूद भी सकती हूँ, ये काफी बेहतर है। ठीक है, आज एग्जाम है क्लास, गुड लक। ये लो मिंडी, जो भी हो ये तो बहुत मुश्किल है, मुझे पढ़ना चाहिए था। शायद ए सही है, उम्मीद तो है, नहीं लगता है गलत है। मुझे गेस करना चाहिए, क्या पता मैं लकी हूँ। क्या अभी क्या लिख रही है? दिख नहीं रहा, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। ओ, लगता है मैं समझ गई। इसे इरेज कर देती हूँ। मेरे इरेजर को क्या हो गया? ये तो बहुत आसान है, याबी के पास इरेजर नहीं है। हे, चीटिंग मत करो। आज क्लास में मजा आता है, कम से कम मेरा सबसे बुरा ग्रेड नहीं होगा। ये मजेदार है और कितना सुंदर है। एक मिनट रुको, मुझे इसे ही लेना होगा। चलो इसका कुछ करें। इरेजर नहीं है, कोई बात नहीं, पेंसिल पर ग्लू लगाएं, पेंसिल को घुमाएं, ये आसान हो जाएगा। बिल्कुल ऊपर तक ग्लू लगा दें। इस ग्लू के साथ लेयर्स बनाते जाएं। इसे हमें कुछ इतना बनाना है। अब इस पर थोड़ी स्पार्कल डालेंगे, जब तक ये सेट नहीं होती इसे ग्लू के ऊपर डालें। ये बिल्कुल आइसक्रीम जैसी लग रही है। अब गलत आंसर्स इरेज कर देते हैं, ये काम कर रहा है, शुक्र है मैंने ये सोचा। और अब सही आंसर्स लिखेंगे ग्याबी से देखकर। थैंक्स। हे टीच, मेरा हो गया, आपको खुशी होगी। वो तो मैं देखूंगी। दिलचस्प है, बहुत अच्छी, ए प्लस। मैं बोर हो रही हूँ। हे जेन, जेन, बस ये कोड सही बच जाए। मेरे नाम से चिल्लाना बंद करो, मैं बिजी हूँ, ये सब खुद देखो। अच्छा ठीक है, देखते हैं वो इतनी डिस्ट्रैक्शंस के साथ कैसे बचाएगी। थोड़ा और पास और हे, क्या कर रही हो, हटो यहाँ से। वो देखो वो कैसे उड़ रहा है। इससे मुझे एक आइडिया आया, तुम तैयार हो स्लिंकी? चलो चले। हाँ, इन हुक्स को सीलिंग से जोड़ना होगा। अब हम स्लिंकी को इस पर लटका सकते हैं। बढ़िया, अब इसके पास थोड़ी और ये टांग देंगे। वाह, कितना कलरफुल और स्प्रिंगी है, मुझे बहुत पसंद आया। ओ बेचारी जेन। क्या, मुझे ये पॉपिट नहीं चाहिए, लो तुम ले लो। ठीक है। हे, मुझे एक और अच्छा आइडिया आया, अगर मैं इसे दीवार पर इस तरह टांगू तो। हाँ सही रहेगा, ये रहे मेरे बाकी के पॉपेट्स। बाकी खाली जगह हम इससे भर देंगे, बाकियों के बीच में जितनी खाली जगह है वहाँ ये लगाएंगे। हम इसे इस दीवार पर भी लगाएंगे, कॉर्नर के साथ भी वॉल डेकोरेशंस चलती हैं। एक और यहाँ लगाना है ताकि ये सिमेट्रिकल लगे। और हो गया। हाँ
हाँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ पॉपिट से खेल सकती हूँ। पॉप 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 पॉप। वो तुमने इस कोने को कमाल का बना दिया, कितना मजेदार है, कहना पड़ेगा बहुत अच्छा किया। अब मेरे पास एक आइडिया है, चलो मैं तुम्हारी एक फोटो लेती हूँ, ये दीवार सेल्फी के लिए अच्छी है। हाय, देखो मुझे पॉपिट वॉल के साथ मजा आ रहा है, परफेक्ट। लो ये पिक्चर्स तो देखो, ये कुछ ज्यादा ही अच्छी है। अरे वाह, बहुत अच्छी फोटो है, ये वाली तो मुझे भेजी दो। क्या दिन है, ओ, मैं वहाँ जाकर बैठती हूँ। वाह कितना खूबसूरत है, मुझे नेचर में रहना पसंद है। ओह प्यारा सा स्क्वायरो। हे प्यारी दोस्त, ओ, मैं तुम्हें पेंट करती हूँ, है ना मत। उप्स, बच गए, माफ करना, बस एक मिनट, बेंच पर ही लेट जाओ। रुक जाओ, नहीं कुछ काम नहीं कर रहा, मैं कंफर्टेबल नहीं हो पा रही, ये इतना मुश्किल क्यों है। ओह बहुत गुस्सा आ रहा है। ओह ये पिज्जा कितना यम्मी है, मैं मदद करूं। हाय, मुझे वो बॉक्स दे दोगी, मैं इसके पैसे दूंगी। बिल्कुल, पर पिज्जा नहीं। खूब, मैं और पिज्जा खरीद सकती हूँ, आज का दिन तो लकी है। मुझे यही तो चाहिए, इसे ढक्कन के साथ लगा देंगे, अब इसके ऊपर पेपर लगा देंगे, ये एक आर्टिस्ट के ईजल जैसा है। अब मैं इसे पेंट कर सकती हूँ। मैं पिज्जा लेडी को पेंट करती हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। पोर्ट्रेट्स बहुत चैलेंजिंग होते हैं, मुझे पिज्जा बहुत पसंद है। हे, तुम अच्छी मॉडल हो, तुमने क्या कहा, तुम मुझे पेंट कर रही हो, जरा मुझे दिखाओ, शांति से देख लेती हूँ। अरे वाह, विश्वास नहीं हो रहा, ये तो एक मास्टरपीस है। वाह, तुमने मुझे डरा दिया, ये तुम हो, तुम्हें पसंद आए, बहुत पसंद आए, मैं इसे खरीद सकती हूँ। हाँ बिल्कुल, थैंक्स, तुम तो एक आर्टिस्ट हो, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे बीच पर जाना बहुत पसंद है और आज का दिन इसके लिए बहुत अच्छा है, यहाँ सेटअप कर लेते हैं। ओह जरा वो देखो, किसी ने बैग छोड़ दिया। मैं दोनों ही ले जाऊंगी, बढ़िया। देखते हैं यहाँ और क्या क्या है, कितनी अच्छी धूप है। रुको, ऐसा क्यों लग रहा है कोई मुझे देख रहा है। हाँ वहाँ क्या है, उसके पास दूरबीन है। ओ नहीं, उसने मुझे देख लिया, आराम से लेटो। ओह अजीब बात है, मैं अपना बैग अपने पास रख लेती हूँ और मुझे लगता है मुझे अपना कैश भी छिपा लेना चाहिए, इसमें मैं अपने नोट आराम से रख लूंगी। पर अगर ये डायपर साफ रहा तो कोई उसे देख सकता है। अब काम आएगी चॉकलेट, मैं इसे डायपर पर रख कर इसे पिघला दूंगी। ओह हाँ अच्छे से पिघल गई, अब इसे थोड़ा फैला दे। कितनी गंदी लग रही है, इसके अंदर अब कोई नहीं देखेगा, मैं तो एक जीनियस हूँ, अब मुझे कैश की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ओह वो अपना बैग छोड़कर जा रही है, यही मेरा मौका है, मैं वो बैग उठा लेती हूँ। वो कितनी बेवकूफ है, अपना सामान यहाँ छोड़ गई, मेरे लिए तो अच्छा है। वो अरे नहीं, कितना गंदा है, डायपर के नीचे से बैग उठा लूं? नहीं बिल्कुल नहीं, गंदे डायपर्स बहुत बुरे होते हैं। ओह वो वापस आ रही है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। अच्छी सैर हो गई। ओह देखो गंदा डायपर अभी भी यहाँ है, इसने मेरे पैसों और बैग को उस चोर से बचा लिया, मैं बाद में भी एक ट्रिक जरूर इस्तेमाल करूंगी। स्नैप टाइम। हे भगवान, ये मैंने क्या देख लिया, मुझे उल्टी आ रही है। वो चोर भाग गई, कितना फनी था। मॉम देखो मैं क्या कर रही हूँ, बहुत अच्छी स्वीटी, आप देख नहीं रही मॉम, मैं पढ़ रही हूँ ना, देखो मैं जंप कर सकती हूँ मॉम। वो लिली मैं ठीक हूँ, बाल बाल बचे, जरा खुद को देखो क्या गड़बड़ है, हमें तुम्हें साफ करना होगा। हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, मिट्टी लगा ली है, सीधी खड़ी रहो, वो मुझसे दूर रखो, फिर मिलते हैं। लिली वापस आओ,
आप मुझे नहीं पकड़ पाओगी। ओह, आ गई। तुम्हें नहाना चाहिए। क्या? बिल्कुल नहीं, मुझे नहाना पसंद नहीं है। मैं जानती थी वो यही करेगी। मुझे यहाँ से निकलना होगा। जरा रुको। ओह, चॉकलेट, मेरी फेवरेट। चिप्स, बस मॉम मेरे पीछे ना आए। मुझे तेज भागना होगा। केक्स कितने अच्छे लग रहे हैं। ओ नहीं, वो आ गई। मैं क्या कर रही हूँ? शायद मुझे उसके पीछे भागना नहीं है। मेरे पास इससे बेहतर आइडिया है। पहले एक कपकेक केस चाहिए होगा। अब इसमें लिक्विड सोप डालेंगे। अब इसे सेट होने देंगे। जब ये तैयार हो जाए तो इस पर और सोप डालेंगे। ये कपकेक जैसा दिखना चाहिए। और असली दिखाने के लिए स्प्रिंकल्स डाल देंगे। अब केस से निकाल देते हैं। चलो आओ लिली, ये गलत बात है। मैं जानती थी तुम यही कहोगी, तो मैंने ये बनाया है। आपने बताया क्यों नहीं? अच्छा लग रहा है। आपको अपनी बेकिंग स्किल्स पर ध्यान देना चाहिए। इसे खाओ मत, ये सोप है। ओह, मैं समझ गई। मैंने पहले कभी कपकेक सोप नहीं देखा। इससे हाथ धोने में मजा आ रहा है, पर असली कपकेक होता तो ज्यादा मजा आता। लो, साफ हो गया। तुम ठीक तो हो? हाँ, आपने क्यों पूछा? तुम पार्टी करने के लिए तैयार हो दोस्त? उन्हें डॉग्स तो पसंद है ना? कैसे हो? पार्टी के लिए तैयार हो? देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ। वो कार में है। ओ नहीं! क्या? मेरा फर्श! ये कैसा मजाक है? इस डॉग को यहाँ से बाहर निकालो। याइक्स! इससे तो पूरी पार्टी खराब हो जाएगी। लेकिन हमारे पास बलून है और ये इसके लिए काम आएगा। तो चलो दोस्त, तुम अच्छे लग रहे हो। ठीक है, कीचड़ पर से ध्यान से आना। अब हम ये उतार सकते हैं। सबसे अच्छा बच्चा कौन है? हैप्पी बर्थडे ब्रो। नहीं नहीं नहीं, देखो उसके पैर साफ हैं। देखा, मजे करो मेरे दोस्त। तुम्हें पता है ना, मुझे साफ फर्श पसंद है। हे भगवान, मुझे भूख लग रही है। सीक्रेट स्नैक खाएं? हाँ, ये तो खाली है। मैंने ये पहले ही खा लिया। बस रैपर्स बचे हैं। अरे नहीं, अब क्या होगा? कैंडी सेव? हाँ बिल्कुल, जब्ती हुई कैंडी टीचर यही तो रखती है। और उसमें बहुत कुछ अच्छा होगा। नहीं, अगर मैं सेव खोल लूं तो मैं वो सारी ले सकती हूँ। हाँ, अब कुछ बड़ा करने की बारी है। हाँ, इस सेफ को खोलते हैं। अरे नहीं, मुझे कोड नहीं पता। मूवीज में तो ये बहुत आसान होता है। अरे नहीं, पासवर्ड तो यही लिखा है। खैर, अगर मुझे मैथ आती होती। आह, मैं मैथ में इतनी बुरी क्यों हूँ? ये मैं फिंगर्स पे तो काउंट नहीं कर सकती। रखो, मेरे पास फोन है, लेकिन मैं चार्ज करना भूल गई। की, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मुझे लगा टीचर आ गई। आओ मेरी मदद करो। ओह, कैंडी सेव, समझ गई, आसान है। हाँ, अब ये देखो। पहले मैं इक्वेशन कॉपी कर लेती हूँ। यहाँ एक लाइन और फिर एक प्लस और फिर पहला सिक्स और दूसरी तरफ भी यही करेंगे। अब हम इस साइड को सॉल्व कर लेंगे। ये आया 650 और अब दूसरी साइड को जो आया 240। और राउंड नंबर्स ऐड करने में बहुत आसान होते हैं। और ये टोटल आ गया 890। और अब हम वापस 6 और 2 को ऐड करेंगे और अब 8 को 890 से माइनस कर लेंगे और ये आ गया 882। हमारा फाइनल आंसर हो गया। यही कोड है।
लाजवाब, तुम मैथ में बहुत अच्छी हो। चलो अपनी कैंडी वापस ले। ये काम किया, ये कैंडी से भरा है। वहाँ क्या चल रहा है? ओह नहीं, वो वापस आ गए। हमें बस भूख लगी थी। हाँ मैं तैयार हूँ। हाँ बिल्कुल, ज्यादा मेकअप नहीं चाहिए, मैं नेचुरल ब्यूटी हूँ। वो मुझे दिख रहा है, तुम्हें लिपस्टिक लगा दे। रुको, कॉल आ रहा है। सच में? हेलो, ये कैसा मजाक है? फिर उसने क्या किया? मैं आ रही हूँ। शो का टाइम हो गया, हमें चलना होगा। ओह हाँ बिल्कुल। रुको, मैं ऐसे नहीं जा सकती। अब मैं क्या करूं? हे मेकअप लेडी, वापस आओ। अब क्या होगा? खुद लगाऊं? कितना ही मुश्किल होगा। अभी तक तो सब ठीक है। ये कैसा मजाक है, मैं क्लाउन जैसी लग रही हूँ। हाँ चलो अलग तरीके से ट्राई करते हैं, बस ये काम कर जाए। योगा क्लासेस काम आ रही हैं। समझ गया, मैं उसे ला रहा हूँ। ऐसे कुछ नहीं है जो सब तुम समझ रहे हो। ये क्या, हमें थोड़ा समय लग जाएगा। मैं अपना मेकअप करने की कोशिश कर रही हूँ। इतनी जल्दी नहीं, हम क्या कर सकते हैं? बढ़िया, जैकेट पर लूज थ्रेड है, जरा रुको, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करने में क्या जाता है? तुम ये क्या कर रहे हो? थ्रेड को लिपस्टिक पर लगाएंगे, इसे अच्छे से कोट कर लेंगे। अब लिप्स के पास आउटलाइन बना लेंगे, नीचे की तरफ भी। अब लिप्स को फिल कर देंगे। लो, हो गया। वाह कमाल का लग रहा है, मैं अपने पोस्टर जैसी लग रही हूँ। परफेक्ट। क्या मतलब शो स्टार्ट हो गया? मिंडी मेरे साथ है, चलो जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ आ रही हूँ। एक ब्रश स्ट्रोक यहाँ, मुझे तुम्हारी ब्यूटी कैप्चर करनी है। प्रेशियस, शानदार। हेलो डियर, आओ मामी को गले लगाओ। प्रेशियस, आखिरकार मेरा मास्टरपीस पूरा बन गया। डार्लिंग, तुमने तो कमाल कर दिया, इसे गैलरी में होना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है प्रेशियस? नहीं, तुम्हें वाटर कलर पसंद है? माफ करना हनी, बहुत बुरा हुआ। ओप्स, अब देखो मैंने क्या कर दिया, मैंने बहुत कोशिश की, ये बहुत गलत बात है। तुम नीचे जाओ प्रेशियस। कोई बात नहीं डियर, तुम आर्ट खरीद भी सकते हो। तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि मैं अमीर हूँ। वाह जरा वो देखो प्रेशियस, तुम तो जीनियस हो। कमाल है, जरा ये देखो, ये तो नेचुरल टैलेंट है। ब्लैक एंड व्हाइट का इतना बड़ा चेंज, ये परफेक्ट है। लाजवाब, मुझे बहुत पसंद आया। कितनी दिलचस्प किताब है। हे मामी। हाय डियर। वो कहाँ है, मिल नहीं रहा। आहा, मिल गया। विंडी, ध्यान से। देखो तुमने क्या किया। चलना होगा। ओह ये मजेदार है। हे मॉम। हाय स्वीटी। पकड़ो। नहीं, दोबारा नहीं। सारे पेपर गीले हो गए, जरा इसे देखो। ओप्स, मैं जा रही हूँ। हेलो मत। पर मैंने आपके लिए ड्रिंक बनाई। बहुत ड्रामा करती हो, तो मैं यहीं बैठ जाती हूँ। जरा रुको, मेरे पास एक आइडिया है, और मुझे वो टेप चाहिए। मिल गई, ये काम आएगी। मैं टेबल लेग पर ये टेप की स्ट्रिप लगा देती हूँ, और फिर रोल को भी साथ में ही जोड़ दूंगी। अब सही है, ये बन गया एक कप होल्डर। मॉम जरा ये देखो, अब मैं कुछ नहीं गिराऊंगी। ये तो आसान है। और अच्छा भी।
बहुत बढ़िया। हाँ मैं जानती थी आपको पसंद आएगा। मेरी प्यारी बच्ची। थैंक्स मॉम। ये रास्ता साफ है तो चलो चले। ध्यान से, मैं जानता था मुझे नए पार्टनर की जरूरत है। अंदर चलो भी। हे, ये जगह अच्छी है। आ जाओ। ओह, बहुत जोर से लगी। शुक्र है मैं सर के बल ही गिरा। अरे वाह, हमारी तो जिंदगी बन गई। जितना ले सकते हो ले लो। कितने खूबसूरत फूल हैं। तुम क्या कर रहे हो? पर ये बहुत स्क्विशी है, हमें महंगी चीजें लेनी है। ओह माफ कर दो बॉस, यहाँ और सोना पड़ा है। जल्दी करो, सब कुछ उठा लो। सच में? नॉलेज भी तो महंगी होती है। क्या तुमने वो देखा? वो क्या है? पता नहीं पर मुझे डर लग रहा है। मुझे पकड़ो, चलो चले यहाँ से, भागो। यहाँ क्या हो रहा है? क्या तुम ठीक हो प्रेशियस? हे भगवान, क्या गड़बड़ है? यहाँ हुआ क्या है? ओह प्रेशियस, तुम यहाँ हो मेरे प्यारे बच्चे, तुम ठीक तो हो? मैं घबरा गई थी। खिड़की क्यों खुली है? शांत रहो। हम कितने कूल है ना? तो चलो पिगी, तुम ट्रक में जाओ। ओह, वो खिलौनों से खेलती हुई कितनी प्यारी लगती है। पीप पीप, हम आ रहे हैं। चलो बेबी और बनी। व्रूम। ओह, ओही। हे भगवान, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? चलो भी, मम्मी को बताओ क्या हुआ। हे भगवान, बेहतर लग रहा है मेरी बेचारी बच्ची और उसके घुटने। मैं कुछ तो कर सकती हूँ। एक मिनट रुको, मुझे पता है मुझे अपनी डार्लिंग के लिए क्या करना है। तुम यही रहो, मम्मी कुछ करेंगी। हेलो, तुम आज डिलीवर कर सकते हो? कर सकती हो। हेलो, क्या तुमने ही रग ऑर्डर किया है? मैं इसे यही खोल देता हूँ। ये मजेदार है। चलो ट्रक। देखो वो अपने प्यारे प्यारे घुटनों के बल चल रही है, बहुत प्यारी है। हाँ मैम। मैम वाह, आप तो कहीं खो ही गई थी। पर मुझे इस रक के पैसे चाहिए। ओह हाँ हाँ बिल्कुल, पेमेंट ये लो, इतना काफी होगा है ना? रुको, क्या सच में ये रक $100 का है? ओह अच्छा। तुम कुछ कर सकते हो? अरे नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। मेरी प्यारी बच्ची कितनी उदास लग रही है। एक सेकंड रुको, शायद यही इसका हल है। ठीक है, मेरे पास आओ फूल नूडल। हमें कुछ करना होगा। बीच से नूडल को काटने के लिए इस तरह चाकू का इस्तेमाल करेंगे। जितना ज्यादा हो पाए उतना सीधा काटना है। ये देखो, अब इन दो हिस्सों को हम अलग कर सकते हैं और यहाँ कोनों पर हम कट्स लगाएंगे इसके दोनों तरफ। बहुत अच्छे, और यहाँ थोड़े और कट भी लगाएंगे। बस पूरे नूडल में से एक जैसे साइज के पीसेस काटने हैं। ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब इन्हें लाइन अप कर देंगे, थोड़ा आगे पीछे करेंगे ताकि ऊपर नीचे ही रहे। और हो गया। डार्लिंग, मम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ बनाया है और लगता है तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा। हाँ, आपने मेरे लिए कुछ बनाया? वाओ, मुझे पसंद आया। चलो बेयर और बनी, हम खेलेंगे। आप सबसे अच्छी हो मम्मी। चलो बेयर अपना गाना गाओ। करना होगा। ठीक है, बुरा मत मानना। तुम ये क्या कर रही हो? बात करने का समय नहीं है। हे शांत हो जाओ। हुआ क्या है? क्या जल्दी है? मेरी डेट है प्रिंस के साथ। जरा उसे देखो, वो कितना प्यारा है। जैसा तुम कहो, मुझे पता होना चाहिए था। मुझे तैयार होने दो, मुझे अच्छा दिखना है। मैं परफेक्ट दिखना चाहती हूँ। शांत हो जाओ, सब ठीक ही रहेगा। हाँ मैं तैयार हूँ। मुझे नेकलेस चाहिए। ओह ये अच्छा है, मुझ पर तो हमेशा जचता है। पहना नहीं जा रहा, फिट नहीं आ रहा। लूना मेरी मदद कर दोगे? ठीक है, लाओ दो मैं पहनाऊं। ओह ये मत करो,
नेकलेस। ये क्या बकवास है? अब मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो, मैं इसे ठीक करती हूँ। यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ? समझ गई, मुझे ये 3D पेन चाहिए। मैं इसे इस पर ड्रॉ करती हूँ। पेन से कुछ लूप्स बनाएंगे पूरे नेक पर। अब इसके ऊपर और लूप्स बनाते जाएंगे। लो, लगता है ये तैयार है। ये एक चोकर नेकलेस है। जेनिफर, देखो मेरे पास क्या है। क्या? ओह, तुमने इसे बनाया है? ये तुम्हारे लिए है। वाह, शुक्रिया। मुझे ये पसंद आया, ये मुझ पर अच्छा लग रहा है। तुम्हें जाना चाहिए, मजे करो। फिर टेप से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका सबसे मनपसंद आइडिया कौन सा था, हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।